चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म होता है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नलिन रंजन के घर दिन दहाड़े घुस लुटेरे 40 लाख रुपए की संपत्ति लूट लेते हैं। नरकटियागंज में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म होता है। जमुई में प्रभात खबर के गोकुल यादव जी के विषय में मैंने आपको बताया। नदवा में किस प्रकार पटना के बाकरगंज निवासी निशांत कुमार वर्मा का नदवा स्थित आभूषण दुकान पर शटर उखाड़ करके 6 लाख की चोरी की जाती है, यह भी टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से हमें खबर मिला है। बाढ़ जिला में बाढ़ थाना क्षेत्र के LIC मोड़ के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान जिस प्रकार दो समुदायों में लड़ाई होती है, यह भी हमने देखा कि वहां पुलिस नदारद थी। ठीक उसी प्रकार पटना सिटी में घर के गेट पर खड़ी शिक्षिका के गले पे बाइक सवार 3 झपट्टा मार करके सोने के चेन को लूट लेते हैं, यह भी CCTV फुटेज के माध्यम से हमने देखा। पटना सिटी में एक महिला की हत्या की जाती है और आरोपी के घर से 4 पिस्तौल बरामद होते हैं। ठीक उसी प्रकार पटना में मैंने अभी कहा कि गार्ड की हत्या करके किस प्रकार टोयोटा के शोरूम पे लूट होती है, और मुजफ्फरपुर में ओराई चौक पर 2 तिरंगे को लेकर आप सबने देखा। अभी तिरंगे के विषय में माननीय अरुण जी ने हमें अवगत कराया, मगर तिरंगे झंडे को लेकर भी बिहार में किस प्रकार की राजनीति हो रही है, झंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यह भी हम सबने देखा है। इसके बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था, और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या लूट डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और एक वीडियो आज सोशल मीडिया में घर घर तक पहुंच रहा है, कई मंत्रियों ने इसे ट्वीट किया है, कई जनता ने भी ट्वीट किया है। बिहार के तेजस्वी यादव जी का एक साक्षात्कार है, उसका वीडियो है, जिसमें उनसे 10 लाख नौकरी के विषय में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, ये हमको छोड़ करके मैं पे चले गए हैं। इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस वीडियो के सत्यता के विषय में क्या अभिप्राय उप मुख्यमंत्री और परिवार का इसमें था, इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है। तो जंगल राज रिटर्न्स के बाद अब हम अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादे और ये जो फ्रीबीज की कहानी अरविंद केजरीवाल जी कहते रहते हैं उसके विषय में बताना आवश्यक है। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मत है, एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की प्राधान्यता स्थापित हो देश में, उनके एम्बिशंस फुलफिल हो, उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़े। इसलिए झूठ दिन पर दिन किस प्रकार से वो परोस रहे हैं ये हम देख रहे हैं। ये कल फ्रीबीज क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है, इसको लेकर लड़ाई हुई। फ्रीबीज क्या है और वेलफेयर स्कीम क्या है, बेनिफिट क्या है? देखिए, बेनिफिट का अर्थ होता है कि एक टारगेटेड ग्रुप को, एक टारगेट ग्रुप है जो इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उसको सबल कैसे बनाया जाए, उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उसके अपने पांव पर वो ग्रुप जो है वो खड़ा हो सके, एक टारगेट ग्रुप के लिए काम करना, उसके लिए गवर्नेंस करना, उसके लिए विषय भेजना, ये बेनिफिट है, ये वेलफेयर स्कीम है। मगर जो फ्रीबीज होता है वो गरीब के नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। और जो मुख्य उद्देश्य होता है
वेलफेयर स्कीम का वो क्या होता है, बेनिफिट का क्या होता है, कि किस प्रकार से सस्टेनेबल बेनिफिट दे करके इकोनॉमिकल रूप से एक वर्ग को सस्टेनेबल लाइफ अर्थात आत्मनिर्भर जीवन बनाने के लिए उसे अपने पांव पे खड़ा करना। जैसे गरीब कल्याण योजना, 80 करोड़ जनता जो पेंडेमिक के समय, कोविड के समय एक ऐसी परिस्थिति में थी कि यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें टारगेट करके उनके लिए राशन नहीं भेजते तो आज उनकी परिस्थिति किस प्रकार की होती, वो अचिंतनीय हो जाती। ये होता है टारगेटेड डिलीवरी, और सबके लिए समान रूप से अपने बेनिफिट के लिए, मतलब मुझे राजसत्ता मिल जाए इस उद्देश्य से किया हुआ कार्य फ्रीबी कहलाता है, ये मुफ्तखोरी कहलाता है। आप देखिए, फ्रीबीज को आप अगर डिफाइन करिएगा, परिभाषित करिएगा, उसका अर्थ निकलेगा नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समूह के लिए, देश के लिए कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। किसका है? एक व्यक्ति का या एक पार्टी का। केजरीवाल जी नेता कैसे बन जाए? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आ जाए? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। ये किस प्रकार दाना डाल करके उसमें फंसाने की कोशिश, ताकि मेरी महत्वाकांक्षा, अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा, ये फुलफिल हो जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ये जो ये इस प्रकार से एक्टिंग करते हैं ना, कि जैसे पूरी दुनिया की चिंता उन्हीं को है, केवल अपनी चिंता है, मैं, मेरा और मेरी पार्टी, इसका भला कैसे हो। और जहां तक मोदी जी और इस सरकार की, भारत सरकार की चिंता है, गरीब और गरीब कल्याण, जो गरीब है, इसीलिए तो आज गरीबी रेखा के ऊपर भारतवर्ष में गरीब उठ पाया है, इसका जो विवरण है ये आज यूनाइटेड नेशन दे रहा है। ये विषय आज विश्व के पटल पे चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की 8 वर्ष में होते हुए अति गरीब लोग जो थे उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई, और गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग थे, जो नीचे थे, वो आज ऊपर हुए। ये होता है टारगेटेड। और मैं अब अरविंद केजरीवाल जी का एक बहुत गंभीर विषय पर पोल खोलने वाला हूं। एडवर्टाइजमेंट करने में अरविंद केजरीवाल जी, उनसे आगे कोई नहीं जा सकता। कैसे गंभीर सा चेहरा बना करके, आप याद करिए, वो निकलते हैं टीवी पे, सुबह टीवी ऑन करिएगा तो केजरीवाल जी आपको नजर आएंगे, दोपहर को केजरीवाल जी और शाम को भी, मतलब पूरा दिन टीवी पे रहने वाले केजरीवाल जी कैसे पैसा खर्च करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक योजना लेकर आए कि हम शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, इसलिए दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना, ये मनीष सिसोदिया जी जो उनके मंत्री हैं, तो जो अभी घोटाला किया था ना एक्साइज वाला, वही मनीष सिसोदिया जी। तो ये मनीष सिसोदिया जी 2015 में एक स्कीम लाए अरविंद केजरीवाल जी, कि हम जो है बच्चों को लोन देंगे, और बच्चे जो 10वीं और 12वीं में हैं ये लोग लोन लेके बिना गारंटी के, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, कोलैटरल नहीं, कुछ भी नहीं, हम दे देंगे 10 लाख का लोन देंगे एक बच्चे को, और ये सब उच्च शिक्षा में जाएंगे। और इस साल 21-22 में 89 ऐसे छात्रों ने इस योजना के अंतर्गत अप्लाई किया कि अरविंद जी हमें लोन दीजिए, आपने कहा था। तो 89 में से अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अध्ययन किया, मनीष सिसोदिया जी ने अध्ययन किया, बहुत अध्ययन करने के बाद 2 लोगों को लोन दिया। मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया, इनको केवल 2 लोग दिखे कि 2 लोग ही दे सकते हैं, काबिल है, तो 2 बच्चों को सिलेक्ट किया। कितना दिया होगा पता नहीं, किसी को 5 भी दे सकते, किसी को 6, मैक्सिमम चलिए मान लीजिए 10 लाख दे दिया, मतलब 10-10 कुल मिलाकर के 20 लाख मैक्सिमम दिया होगा, हो सकता है उससे कम दिया हो, क्योंकि लोन की जो व्यवस्था है वो मैक्सिमम 10 लाख की है, तो हो सकता है 10 दे दिया, चलिए 20 लाख रुपए लोन दिया। और आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट कितने का किया, किसी ने RTI किया था तो RTI का रिपोर्ट आया, घबरा जाएंगे आप सुनकर के, 10 लाख रुपए का लोन दे के 19 करोड़ 50 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, 50 लाख
19 करोड़। हाँ, जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना। हाँ, जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना, संजय जी बोल रहे हैं। तो झुंझुना दिखाते रहते हैं हमेशा, टीवी सुबह से रात तक झुंझुना से ही चल रहा है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी झुंझुना से ही चल रहे हैं। आप सोचिए जरा, दो लोगों को, दो छात्रों को इन्होंने लोन दिया है, और वो भी मैक्सिमम हो सकता है 20 लाख रुपए का, और 19 करोड़ 47 लाख रुपए का इन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। पूरा उसका विवरण कितना कितना एडवर्टाइजमेंट दिया है इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 18 करोड़ 81 लाख 618, प्रिंट मीडिया में 47 लाख रुपया, ऐसे करके इन्होंने इतने का एडवर्टाइजमेंट दिया है। आपको याद होगा बीच में अरविंद केजरीवाल जी आते थे एक टीवी में, आज से जब कोरोना चल रहा था उसके ठीक पहले आते थे, और कहते थे बहुत प्रदूषण है तो जीवन खराब हो जाएगा, तो हम एक बायो क्या केमिकल, बायो डिकम्पोस्ट केमिकल ढूंढे हैं। बहुत रिसर्च किए थे अरविंद केजरीवाल जी पूसा में बैठ करके, और उसके बाद उन्होंने कोई केमिकल ढूंढा था। उन्होंने कहा था मैं केमिकल छिड़क रहा हूं, ये केमिकल छिड़कने से पूरा जो दिल्ली है वो प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, और हमने कर दिया है, छिड़क दिया है सब जगह केमिकल। बाद में मालूम पड़ा कि 60 लाख का ये जो एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाला था केमिकल, ये 60 लाख रुपए का केमिकल था, और उसमें 24 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट था। 60 लाख रुपए का केमिकल बनाया, और सुबह से वो टीवी पे मैं छिड़क रहा हूं करके 24 करोड़ रुपए छिड़क रहा हूं करके खर्च किया। दो बच्चों को यहां पर लोन दिया और 19 करोड़ रुपया से अधिक खर्चा किया है, 19 करोड़, ये बताने में कि मैंने लोन दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी की कहानी है, और सुबह से शाम तक ये फ्री भी कर रहे हैं। ही इज जस्ट एन इलेक्शन बी, बी मतलब बीई मधुमक्खी, मतलब जैसे ही इलेक्शन आएगा भन बना करके झूठ बोलना और पूरे माहौल को खराब करना, करना कुछ नहीं केवल एडवर्टाइजमेंट करना, यही उनका विषय है। आज इतना ही था। आज अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है, उन्होंने कहा है कॉरपोरेट टैक्स जो है ये बढ़ा रही है भारत की सरकार। एक तो अरविंद केजरीवाल जी, आप तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको वेव ऑफ और राइट ऑफ में फर्क नहीं पता है। आप बोल रहे हैं कि बहुत अमीर साथियों का 10 लाख करोड़ रुपया का जो है लोन मोदी जी ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब माफ कर दिया। अरे राइट ऑफ और वेव ऑफ अलग होता है। जनता जनार्दन जरा भेजिए इनको चिट्ठी लिख के राइट ऑफ और वेव ऑफ में क्या फर्क होता है। जब राइट ऑफ होता है तो कॉलम चेंज होता है, आरबीआई के गाइडलाइन है, मतलब जो लोग पैसा लूट रहे थे, जिन लोगों ने पैसा लूटा है, किस प्रकार से उनसे बकाया लिया जाए, किस प्रकार से उनसे पैसा वापस लिया जाए, उसको राइट ऑफ कहते हैं, मतलब प्रक्रिया चालू है। इसीलिए तो यूपीए एरा में जिन लोगों ने एनपीए किया था, आज वो सारा पैसा वापस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और कॉरपोरेट टैक्स को लेकर इन्होंने कहा कि कॉरपोरेट को बेनिफिट दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके ज्ञान के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 था उसमें कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 6.63 लाख करोड़ का था, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 7.1 लाख करोड़ रुपए पेंडेमिक होने के बावजूद कॉरपोरेट टैक्स देश ने कलेक्ट किया है, और यह पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए झूठ बोलना बंद करिए। आज हम आशा करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल जी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि 20 लाख लोन और 19 करोड़ रुपए ये विज्ञापन पे खर्चा, ये कौन सी अर्थनीति कहलाती है, व्हाट इज दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के बारे में आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समित पात्रा को आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एक तरफ उन्होंने बिहार में बनी नई नवेली सरकार यानी कि महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, सीधा सीधा संबित पात्रा ने तेजस्वी पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि तेजस्वी जरा बताएं, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख रोजगार देंगे, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो डेप्यूटी सीएम बने, हम तो सीएम बने नहीं है, हालांकि फिर भी हम कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से क्राइम लगातार बढ़ चुका है, जंगल राज एक बार फिर से बिहार में वापस आ चुका है, दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर, आप सरकार पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने सीधा सीधा कहा कि आपको समझना होगा जो ये फ्रीबीज आप दे रहे हैं, जिस तरीके से आप लुभाने की जनता को कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझती है। और क्योंकि बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, तो जरा समझिए कि किस तरीके से बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार काम कर रही है।